इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ फैमिली, मैं आपके साथ सिमरन। देश में कोरोना के बेकाब रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना के नए केस में कमी आई है, वह पिछले 24 घंटे के दौरान 168,063 नए केस सामने आए, जबकि 277 लोगों की मौत हो गई। कल की तुलना में आज कोरोना के नए केस में 6.4% की कमी आई है और वही सोमवार को 179,000 नए केस सामने आए थे। हालांकि इस दौरान 69,960 लोग कोरोना से ठीक हुए और वही इस नए केस आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 3,58,75,790 हो गई है। और वही इसमें जबकि अब तक इस महामारी के चलते 4,84,213 लोगों की जान चली गई। कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,129 लोग ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 से अब तक देश में 3,45,70,131 लोग ठीक हो चुके हैं और जबकि ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 8,21,446 हो गई है। वहीं भारत में सोमवार को कोरोना वायरस के 15,79,928 सैंपल टेस्ट किए गए और कल की तुलना में 69,31,55,280 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। ये था आप तक का अपडेट। लगातार छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी, वॉइस ऑफ फैमिली। जय हिंद, जय भारत।